हेलो एवरीवन नमस्ते एंड लेट्स सी स्कॉर्पियो आपके लिए इस वीक क्या गाइडेंस आ रही है लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है पहले मैं एंजल टेरो से पूछूंगी देन आई फुल सम कार्ड फ्रॉम जेन टेरो एंड देन एंजल्स ठीक है लेट्स सी क्या गाइडेंस आ रही है ओके okay. तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ पिछले कुछ टाइम से हो सकता है कि आप ना आप ना बहुत ही ज़्यादा ना जैसे कहते हैं रिजिड हो रहे थे चीज़ों को लेकर और आप भी चीज़ों को बहुत अच्छे से वाइजली मैनेज भी कर रहे थे ठीक है लेकिन ना आपने बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना अपना माइजर हो रहे थे ठीक है और ये मुझे गाइडेंस दी जा रही है कि ना आपको ना थोड़ा चैरिटेबल होने की जरूरत थी ठीक है और इस वीक फ्रेश न्यू स्टार्ट इज कमिंग ठीक है अगर किसी भी चीज़ में आप डिले फील कर रहे थे लास्ट कुछ वीक्स में या फिर आपको लग रहा था कि चीजें आपके लिए मूव ही नहीं कर रही हैं और यू uh, नो you know, Uh, कभी कभी ऐसा होता है ना हमें लगता है कि चीज़ें हमारे लिए काम ही नहीं कर रही हैं और हम रुक गए हैं तो ऐसा नहीं है अ फ्रेश न्यू स्टार्ट इज़ देयर आपकी जितनी भी डिलेज थी उन सबका एंड हो रहा है ठीक है और स्पेशली आपकी लव लाइफ़ में कुछ सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं ठीक है ठीके? और बहुत ही पॉजिटिव चेंज आ रहा है हो सकता है कि आप ट्रैवल करें या आपसे ट्रैवल करके कोई मिलने आए और आप अपना कोई व्हीकल भी खरीद सकते हैं ठीक है ठीके? ये कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है गाइस और आपके लिए गाइडेंस ये भी आ रही है कि ना आपको थोड़ा सा ना क्योंकि आप एक यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो बहुत साइकिक हैं ठीक है जो अपने आप को सेक्रीफाइस करके लोगों के बारे में सोचते हैं ठीक है अपनी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाते और पहले अपने आप से ज़्यादा फैमिली को, को देखते हैं अपने फ्रेंड्स को देखते हैं ठीक है और आपके अंदर मैं यहाँ पर देख रही काफ़ी इमोशनल लोग हैं यहाँ पे ठीक है और आपको एक गाइडेंस दी जा रही है कि गाई दिस इज़ नॉट योर वीकनेस दिस इज़ योर सुपर पावर ओके ये आपका एक टैलेंट है कि आप लोगों के इमोशंस को पहचान सकते हैं दिस इज अ ब्लेसिंग तो आप इस चीज़ में कोई ना वो फील ना करें कि कभी कभी हमें लगता है ना कि हम एच हैं हाईली सेंसिटिव पीपल तो क्या ये हमारी गलती है तो आपको ऐसा नहीं फील करना है ठीक है और आपको इसी चीज को सुपर पावर बनाकर अपने चीजों को लेके आगे बढ़ना है लक इज योर साइड दिस वीक और यहाँ पर ये एक और ये चीज मुझे दिख रही है आपके काम में करियर में हो सकता है कि यहाँ पे ना कुछ लोग आपकी तरफ चीजें थ्रो कर रहे हैं कुछ लोग बुरी नजर डाल रहे हो तो अपने आप को प्रोटेक्ट करें ठीक है और गिव अप ना करें अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ के लेके काम कर रहे हैं और आपका मन कर रहा है कि आप थक गए हैं आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आप हेल्प के लिए एंजल्स को बुलाएं लोगों की हेल्प लें थक गए हैं तो थोड़ा रेस्ट कर लें बट डोंट गिव अप ठीक है और बिल्कुल आपको गिव अप नहीं करना है ठीक है यहाँ पे मैं आपके लिए पूछती हूँ तो इस वीक मुझे आपके लिए आ, ये भी एक, उसे कहते हैं ना अप एंड डाउन से गुजरता हुआ नजर आ रहा है जहाँ पे अच्छा भी है जहाँ पे आप बहुत इमोशनल भी फील करेंगे जहाँ पे आप बहुत सेटिसफेक्ट्री भी फील करेंगे ठीक है तो और नौ नंबर मुझे यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंटली दिख रहा है तो हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर या फिर आपसे वर्क रिलेटेड ऐसे लोग हों या फिर कुछ भी नौ नंबर से लेकर कुछ रिलेटेड मुझे नजर आ रहा है ठीक है और इस वीक मुझे रेड कलर आपके लिए लकी नजर आ रहा है ठीक है और आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि अगर आपका मन करे कि आप जैसे कहते हैं ना आइसोलेटेड फील कर रहे हैं चीज़ों को लेके ना अकेला फील कर रहे हैं तो वो ना करें ठीक है आपको किसी चीज़ का अगर ग्रीफ है जो आप दूसरों से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं जो मैं देख रही हूँ आपको वो नहीं करना है ठीक है अपनी इस जोन से बाहर आर विद यू यूनिवर्स इज विद यू सो डोंट फील अलोन आप बहुत अलोन फील कर रहे हैं तो आपको वो फील नहीं करना है एंड डोंट बी लाइक अ जैसे कहते हैं ना हम कहते हैं कि जब हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है ना या फिर हमारे इमोशनल नीड्स पूरी नहीं होती है, तो हम बहुत ही डिसहार्टेड हो जाते हैं हम स्टोन हार्टेड हो जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं होना है ठीक है अपने अंदर की जो वॉम्थ है उसको खत्म नहीं करना है ठीक है तो इस वीक हो सकता है कि आप आ, थोड़ा सा अकेला फील करें पर आपको वो नहीं करना है यू नीड टू मूव आउट ठीक है तो यहां पे एक और गाइडेंस ये मिल रही है कि आपको ना माइंड बॉडी एंड सोल इन तीनों पे काम करना है इस वीक इन तीनों में बैलेंस लेकर आना है ठीक है और क्या कहते हैं ये ना आपको ये वीक ना थोड़ा सा अप एंड डाउन दे सकता है तो उसमें आपको ना अपना संतुलन नहीं खोना है आपको अपने आप से कनेक्टेड रहना है ठीक है और यू विल अट्रैक्ट रिस्पेक्ट एंड लव फ्रॉम अदर्स फॉर ऑल आर कामड बाय यू और ना इसी चीज़ से यही आपकी सुपर पावर है इसी को आपको इग्नाइट करना है और लोग इसी से आपके अट्रैक्ट होते हैं तो आपको अपने जिसे कहते हैं ना सेंटर्ड में रहना है स्टिल रहना है अगर आपको लग रहा है कुछ चीजें आपकी बिखरी हुई हैं आप उन चीजों को सिमेट्री में लाएं बैलेंस में लाएं ठीक है और अपने जिसे कहते हैं ना ये भी जो भी अप एंड डाउन लेकर आएगा वो आपके लिए बहुत बड़े लेसेंस भी लेकर आएगा ठीक है दिस इज एडवाइज एंड इतना ही आपके लिए एंड आई इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल दिन बाय टेक केयर